नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर का कुख्यात जहरीली शराब 5000 का इनामी तस्कर आखिरकार पुलिस ने हत्थे चढ़ गया, जहां फरार आरोपी मुकेश जायसवाल को क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा दमोह जिले से गिरफ्तार किया है। जहां SP गोपाल खंडेल ने जानकारी देते हुए बताया कि गजरवारा निवासी मुकेश जायसवाल जहरीली शराब की तस्करी हरियाणा से करता था, जहां परियट में हरियाणा से गाय भैंस के ट्रक से आरोपी द्वारा छुपा कर शराब लाई जाती थी और काम कर रखे गए थे। लड़कों से भी सभी ब्रांड की बोतल बनाकर उसमें जहरीली शराब भरी जाती थी और लड़कों के माध्यम से बेची जाती थी। वही मिलिट्री कैंटीन की बची हुई शराब की तस्करी भी अपने लड़कों से करवाता था। वही जब मुकेश जायसवाल के विरोध मामला कायम किया गया तो उसके द्वारा नकली अग्रिम जमानत पुलिस को पेश की गई, तो जांच में सामने आई थी। उसके बाद लगातार मुकेश जायसवाल फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 5000 का नाम उद्घोषित किया गया था। वही क्राइम ब्रांच की टीम ने दमोह जिले से फरार इनामी आरोपी मुकेश जायसवाल को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। थाना गोरा बाजार में 24 दिसंबर को एक आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उसमें आरोपी मुकेश जायसवाल मौके से फरार हो गया था। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5000 रुपये का इनाम भी की भी घोषणा की गई थी। आज प्रातः मुकेश जायसवाल को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।